जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम कवच सिस्टम क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। द हिंदू में ये एक्सप्लेनर में छपा हुआ है, क्योंकि अभी हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा रेल दुर्घटना हो गया जिसमें करीब 250 से ज़्यादा लोग उसमें हताहत हो गए हैं, उनकी जान चली गई है और करीब 1000 के आसपास लोग घायल हो चुके हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद खबर है। और इसी बीच में कवच सिस्टम जो है इसका बहुत नाम चर्चा में है कि अगर कवच लगा होता तो ये दुर्घटनाएं रोकी जा सकती थी या कम की जा सकती थी। और देश में हमारे करीब 70,000 के आसपास 70,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें हैं, जिसमें से लगभग 1,500 किलोमीटर के आसपास 1,500 किलोमीटर के आसपास कवच सिस्टम लगा दिया गया है। और आगे के 21 साल में भारत सरकार का लक्ष्य है कि उसको 3,000 किलोमीटर और आगे हम कर लेंगे। तो कवच सिस्टम रेल के दुर्घटनाओं को कम करने का एक यंत्र है, एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ATPS ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। द रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस इन विच नेटवर्क्स एंड रूट्स हैज़ द सिस्टम बीन इम्प्लीमेंटेड, इसको लिखा है रवि रेड्डी और वी गीतनाथ जी ने। तो अभी तक क्या कितना काम हो चुका है, द स्टोरी सो फार, द डेथ ऑफ ओवर 288, यहाँ पे बता रखा है कि द डेथ ऑफ ओवर 288 पैसेंजर्स इन द घासली ट्रेन एक्सीडेंट ऑन जून 2 बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज़ ब्रॉट इन टू शार्प फोकस इन द सेफ्टी मैकेनिज्म्स नीडेड टू प्रिवेंट सच ट्रेजेडीज। तो अब देखते हैं कि कवच क्या है, व्हाट इज़ कवच। द कवच इज़ एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, क्या ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, और कैसा इंडिजीनियसली है, कैसा है इंडिजीनियसली है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, यानी भारत का देशी ये एक मैकेनिज्म है जिसको हम ATP कहते हैं, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, बाय द रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO, यानी इसको किसने डिज़ाइन किया है, किस संगठन ने बनाया है, तो उसका नाम है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंडस्ट्री। द ट्रायल्स वर फैसिलिटेटेड बाय द साउथ सेंट्रल रेलवे टू अचीव सेफ्टी इन ट्रेन ऑपरेशंस अक्रॉस इंडियन रेलवेज। इट इज़ ए स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विद सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 SIL 4, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 SIL 4 स्टैंडर्ड्स। इट इज़ मीन्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाई प्रिवेंटिंग ट्रेन्स टू पास द सिग्नल एट रेड विच मार्क्स डेंजर एंड अवॉइड कोलाइजन। इट एक्टिवेट्स द ट्रेन्स ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ जा रही है, एक ट्रेन इसके आगे से जा रही है, अगर इन दोनों ट्रेन के बीच में 400 मीटर का गैप नहीं है, 400 मीटर गैप अगर नहीं है तो ये तुरंत ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा, या जो जो रेल चला रहे हैं, जो ड्राइवर हैं उसके, अगर उनकी आँख लग जाती है या कुछ भी अगर ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जिसको हम कह सकते हैं कि केयरलेसनेस हो जाती है, तभी कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रोक देगा, दुर्घटना होने से बच जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि इट एक्टिवेट्स द ट्रेन्स ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इफ़ द ड्राइवर फेल्स टू कंट्रोल द ट्रेन एज पर स्पीड रेस्ट्रिक्शंस। ट्रेन का जो स्पीड बताया गया है, अगर उससे ज़्यादा स्पीड हो जाता है तो वो अपने आप ही स्पीड को कंट्रोल कर देगा। दो ट्रेनें कहीं आपस में लड़ ना जाएं तो उनके बीच में एक गैप होना चाहिए, अगर उस गैप में कमी आती है तो भी ऑटोमेटिकली उसको रोक देगा,
कंट्रोल करेगा कि ज़्यादा समीप ना आए ताकि कोलाइजन ना हो सके। इन एडिशन इट प्रिवेंट्स द कोलाइजन बिटवीन टू लोकोमोटिव्स इक्विप्ड विद फंक्शनल कवच सिस्टम्स। द सिस्टम ऑल्सो रिलीज SOS मैसेजेस ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। एन एडेड फीचर इज द सेंट्रलाइज्ड लाइव मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट्स थ्रू द नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम। कवच इज वन ऑफ द चीपेस्ट SIL4 सर्टिफाइड टेक्नोलॉजीज वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज 1 in 10,000 ईयर्स। तो ये है हाउ डज कवच वर्क ऑन रेलवे सिस्टम्स। द ट्रैफिक कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट ऑन बोर्ड द लोकोमोटिव एंड ट्रांसमिशन टावर्स एट स्टेशंस कनेक्टेड विद द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स हेल्प्स इन टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेशन मास्टर एंड लोको पायलट टू कन्वे एनी इमरजेंसी मैसेजेस। द इंस्ट्रूमेंट पैनल इनसाइड द केबिन हेल्प्स द लोको पायलट नो अबाउट द सिग्नल इन एडवांस विदाउट विजुअल साइटिंग एंड द परमिसिबल स्पीड्स टू द मेंटेन्ड। इफ ए रेड सिग्नल इज जम्प्ड एंड टू ट्रेन्स कम फेस टू फेस ऑन द सेम लाइन द टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली टेक्स ओवर एंड अप्लाई सडन ब्रेक्स। एडिशनली द हूटर एक्टिवेट्स बाई इट्सेल्फ वेन द अप्रोचिंग ए लेवल क्रॉसिंग विच सर्व्स एज बिग बून टू लोको पायलट्स ड्यूरिंग द फॉग कंडीशंस when visibility is low। Both the Shalimar Chennai Coromandel Express and the Yashwantpur Howrah Express were not fitted with Kavach TACS। The Kavach system project is yet to be implemented on the Howrah Kharagpur Chennai line। However, Jaya Verma Sinha a member of the Operation and Business Development Railway Board reasoned that the reaction time and distance were very short as the train was traveling at a very high speed। If an obstruction comes suddenly in front of a high moving vehicle, then no technology in the world would prevent an accident, she explained at a press conference। So where has Kavach been implemented? The Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw inspected the trial of the Kavach working system between the Gulagula Chitgidda railway stations on the Lingampalli Vikrabad section in the Secunderabad division of South Central Railway last March। The South Central Railway zone is a pioneer in the implementation of the Kavach TACS। The Kavach system has been deployed over 1,500 km in the SCR limits in 77 locomotives and 135 stations till March this year। Additionally, the Secunderabad-based Indian Railways Institute of Signal Engineering Telecommunications host the Central Center of Excellence for Kavach। IRICT has been mandated by the Railway Board to train the in-service railway staff on Kavach। The Institute Kavach Lab carries out round the year training programs। What is the Kavach deployment strategy? Kavach implementation is being taken up in a focused manner by the Railway Board। The first priority are the high density routes and the New Delhi Mumbai and New Delhi Howrah sections as they have higher chances of accidents because the trains run closer to each other। The second priority lines are the highly used networks। The third ones are other passenger high density routes and the final priority is of course
टू कवर ऑल अदर रोड्स. द आर डी एस ओ हैज़ अप्रूव्ड 3 फॉर्म्स, मेधा सर्वो ड्राइव्स, HBL एंड कर्नेक्स फॉर प्रोवाइडिंग कवच इक्विपमेंट विद 2 मोर बींग इन द पाइपलाइन. ग्लिचेस अबाउट वल्नरेबिलिटी ऑफ ए व्हीकल क्रॉसिंग ए क्लोज्ड लेवल क्रॉसिंग स्ट्रे कैटल और बोल्डर्स ऑन ट्रैक. रेडियो कम्युनिकेशन इश्यूज इन टनल्स घाट सेक्शंस हैव बीन ट्रैकल्ड. तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन, और जो घटना हुआ है इसके लिए बहुत शोक महसूस होता है, बहुत ही दुख महसूस होता है. ये जो घटना हुई है, ईश्वर उन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करें और आगे से हमारे देश में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भारत सरकार प्रयासरत है. और हो सके तो आगे के 10 साल 15 साल 20 सालों में पूरे कवच सिस्टम से इक्विप्ड कर दिया जाएगा हमारे पूरे भारतीय रेलवे को. और ये 21वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है. इसके पहले ईरान में यहाँ सब घटनाएं 2004, 2005, 2006 इस टाइम पे हुई हैं. मतलब ट्रेन एक्सीडेंट ये बहुत ही बड़ी घटना देखा जा सकता है. और 2004 से लेकर के 2014 के बीच में, यानी कि UPA की सरकार में, करीब 800 से ज़्यादा लोग मारे गए थे ट्रेन के दुर्घटनाओं में, जो इस प्रकार की ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी. और पिछले 2019 से लेकर के 2023, यानी लगभग 5 साल के कार्यकाल में देखा जाए तो मतलब 40 लोगों की जान गई थी रेल के दुर्घटनाओं में, अगर इस रीसेंट वाली घटना को छोड़ दिया जाए तो. तो आगे से ईश्वर रक्षा करें, और भारत सरकार इस पर लगातार प्रयासरत है. पूरा देखने के लिए धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद.